देखो यार, कोई भी रेडमी, शाओमी या पोको डिवाइस का अगर वॉल्यूम बूस्ट करना है ऑफिशियली, तो कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं? अगर आपको करना है, वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो, पसंद आता है तो ऑब्वियसली एक लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वेट करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का। तो देख सकते हो ऐसा कुछ, वॉल्यूम बूस्ट इज़ ऑन अगर आपको ये इनेबल करना है, जिससे आपका बेसिकली जो 100% उससे थोड़ा सा वॉल्यूम बूस्ट हो जाएगा। अब ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ आपको एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा जोर से लाउड सुनाई देगा, बट हाँ वॉल्यूम बूस्ट ज़रूर होगा। तो अगर आपको करना है तो इसके लिए आपका डिवाइस ऑब्वियसली MIUI 14 चाहिए। तो चाहे आपका वो डिवाइस रेडमी हो, शाओमी हो या पोको हो, आपको आपका डिवाइस में MIUI 14 चाहिए। और MIUI 14 के बाद आपको चाहिए आपका एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड 12 या एंड्रॉयड 13 या उससे अबव। एंड्रॉयड 12 से नीचे नहीं होना चाहिए, एंड्रॉयड 12, 13 और 14 में ये काम कर जाएगा। आप रिक्स में, खुद का रिक्स में कीजिए, क्योंकि ये ऐप के थ्रू बहुत सारा फ़ोन खराब होता है। अगर आपका डिवाइस में एंड्रॉयड वर्जन कम है तो ये प्रॉब्लम होगा, एंड्रॉयड वर्जन ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं होगा, बट एंड्रॉयड 12 से नीचे आपको ये इंस्टॉल करना ही नहीं है। एंड्रॉयड 12, 13 में कुछ नहीं होना चाहिए शायद से, अब मैं इसका रिक्स नहीं ले रहा हूँ, मेरा डिवाइस में प्रॉपरली काम कर रहा है जिसमें कि एंड्रॉयड 13 है। तो देख सकते हैं बेसिकली ये आपका एक सिस्टम ऐप है जो कि आपका फ़ोन का जो है कंट्रोल सेंटर और वॉल्यूम स्लाइडर्स को मैनेज करता है। अब इसको अपडेट करने के बाद आपका बहुत जन का जो फ़ोन मतलब सॉफ्ट ब्रिक हो जाता है, जो कि फ़ोन मतलब ब्लैक होता रहेगा बीच बीच में, मतलब 2-3 सेकंड में, तो वो चीज़ होता है बहुत जन का। बट हाँ, अगर आपको ये करना है अनेबल, तो बस आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि उसको इंस्टॉल कर देने के बाद आपका ये जो है वॉल्यूम बूस्ट ऑन अनेबल हो जाएगा। तो बस आपको जो है एक ऐप चाहिए, और फिर इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही मतलब कंट्रोल सेंटर का वॉल्यूम स्लाइडर से अप स्वाइप कीजिएगा, तो आपको वॉल्यूम बूस्ट इज ऑन देखने को मिल जाएगा। अब ये कौन सा ऐप है, शायद आपको बहुत जन को पता हो, क्योंकि ये ऐप जो है बहुत पहले ही कंट्रोल सेंटर चेंज करने के लिए काम आता था, और अभी भी कंट्रोल सेंटर का एक नया फीचर अनेबल करने के लिए काम आ रहा है, जो कि शायद आपको पता है सिस्टम UI प्लगइन है इसका नाम। और इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ पहले डाउनलोड कर लो। हाँ, उससे पहले एंड्रॉयड देख लो, एंड्रॉयड वर्जन देख लो कौन सा, एंड्रॉयड 12 या 13 है, और फिर जाके इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और यूज़ करो, बताओ वॉल्यूम बूस्ट इज़ ऑन अनेबल हुआ है कि नहीं। और ये इसका वर्जन है 14.0.1 पॉइंट कुछ है, 1.88.0। तो बस जाओ डाउनलोड करो और यूज़ करो, और कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है, तो अगर रीस्टार्ट नहीं मतलब हो रहा है बट तब भी कुछ बग आ रहा है, तो जाओ सेटिंग्स में, मैनेज ऐप्स में, और बस जाओ फिर सर्च करो प्लगइन, जैसे सर्च करोगे प्लगइन ये ऐप मिल जाएगा। दिक्कत हो रहा तो अनइंस्टॉल अपडेट कर दो, फिक्स हो जाएगा, और नहीं दिक्कत हो रहा तो यूज़ करो, वेल एंड गुड। मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं यूज़ कर रहा हूँ Mi 11X में, और Mi 11X में कोई दिक्कत नहीं हुआ, जिसमें क्या मैं ये 14 एंड्रॉयड 14 है, और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस में भी मैं ट्राई कर चुका हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में मैं ट्राई कर चुका हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, और सब में MIUI 14 एंड्रॉयड 13 है, उससे नीचे मैं ट्राई नहीं किया हूँ। तो आपको भी चाहिए, सब डिवाइस में ट्राई करना चाहिए, चौक करो, बताओ कैसा लगा ये ट्रिक, और ये ऑफिशियल फीचर है जो कि आ सकता है जल्दी MIUI का नया अपडेट में, होप सो। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।